अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसी हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। रिफत व्लॉग में खुश आमदीद। आज मेरे चैनल पे एक बहुत जबरदस्त वीडियो अपलोड हो रही है। आज मैं आपको बताऊंगी कि बालों को आप हेयर डाई कैसे कर सकते हैं, वो भी घर पे बहुत ही कम चीजों और बहुत ही कम पैसों से। सब चीजें घर में मौजूद होती हैं, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले अगर चैनल पे नहीं है तो मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक और अपने फैमिली फ्रेंड में शेयर कर दें। गाइस, अगर आप मेरे पहले से सब्सक्राइबर हैं उसके लिए मैं आपको थैंक्स कहती हूँ, क्योंकि माशाल्लाह माशाल्लाह आप सबके ताउन और सपोर्ट से मैं तरक्की कर रही हूँ। उम्मीद करती हूँ इसी तरह आप मेरे चैनल के साथ सपोर्ट करेंगे, मेरी वीडियो को अपने फैमिली फ्रेंड में शेयर करेंगे। तो चलिए बगैर टाइम वेस्ट किए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और बनाना स्टार्ट करते हैं ये हेयर डाई बनाने के लिए। तो जी गाइस, मेहंदी मैंने ली है, ये पंसारी से मिलती है, बहुत ही इजीली और बहुत ही सस्ती मिलती है। पंसारी से लीजिएगा, उसका कलर बहुत ही अच्छा आता है। ये मैंने ली है तकरीबन 1 कटोरी, मेजरमेंट करें तो ये 250 ग्राम है। उसके बाद ये मैंने लिया है प्याज और अलसी का पानी। इसकी वीडियो भी मैं लास्ट शॉर्ट में आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ कि आपने प्याज और अलसी के बीज होते हैं ना, वो पानी जो बाल होते हैं ना उसके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसे लगाने से जो आपके बाल रूखे बाल हैं या करली बाल हैं वो भी बिल्कुल सीधे होने शुरू हो जाते हैं। उसके बाद एग लेंगे 1 अदर, मलाई मैंने ली है 1 टेबल स्पून, दही लेंगे 3 टेबल स्पून। सबसे पहले हम इन चीजों को करेंगे साइड पर। तो जी गाइस, सबसे पहले मेहंदी को मैंने ना छान लिया था, यानी कि स्ट्रेनर में डाल के ना इसे अच्छे से छान लिया है ताकि इसमें जो गुठलियां वगैरह होती हैं वो निकल जाए। सबसे पहले हम इसमें डाल देंगे 1 अदर एग। अगर आपके बालों को एग सूट नहीं करता तो आप ये स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन जो एग होता है ना ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इससे आपके जो बाल है ना बहुत ही सॉफ्ट होना शुरू हो जाते हैं। उसके बाद दही ऐड करेंगे, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दही अगर खाने के लिए ज़रूरी है तो ये बालों की ग्रोथ के लिए भी बहुत ही ज़रूरी है। उसके बाद हम लेंगे दूध की मलाई। इन चीज़ों को पहले हम ड्राई अच्छे से मिक्स कर देंगे। उसके बाद हम थोड़ा थोड़ा करके इसमें पानी ऐड करेंगे, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पानी थोड़ा सा कम हो गया है, मैंने इसलिए ना 1/2 कप लिया था कि कहीं ये ज्यादा ही ना हो जाए। तो अगर हम इसमें सादा पानी भी डाल सकते हैं, कोई ऐसा मसला नहीं है। पानी लेके आ रही हूँ, ये पानी मैं ले आई हूँ, थोड़ा सा हम इसमें पानी ऐड करेंगे, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गाइस, मेरा एक कुकिंग का चैनल है बानो द किचन, तो प्लीज आप वहां पे भी जाएं, उस चैनल को भी सब्सक्राइब करें। इतनी इतनी अच्छी मैं रेसिपीज बनाती हूँ ना उसके ऊपर, तो प्लीज उस चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। थोड़ा सा पानी और ऐड करेंगे क्योंकि अभी ये बहुत ही थिक है। तो जी गाइस, ये देखें बहुत ही अच्छे से ना इसको मैंने मिक्स कर लिया। अब मैं आपको बताती हूँ लगाने का तरीका। लगाने का तरीका ये है कि आपने पहले अपने बालों को अच्छी तरह वॉश कर लेना, आपके बालों में कोई भी ऑयल लगाना हो, ठीक है। उसके बाद आपने क्या करना है, उनको ड्राई करना है। ड्राई करने के बाद अपने बालों के ऊपर रूट से लेके बालों की लेंथ तक आपने इस मेहंदी को अपने बालों के ऊपर अप्लाई करना है। तकरीबन 1 घंटे से भी आप ज़्यादा, ये 2 घंटे भी रख सकते हैं। अब तो गर्मियाँ, गर्मियों में बहुत जल्दी पंखे के नीचे खुश्क हो जाती है। आपने लगाने के बाद तकरीबन 1 से 2 घंटे बाद आपने अपने बालों को खुश्क कर लेना। खुश्क करने के बाद जब आपको पता चले कि मेहंदी बिल्कुल ड्राई हो चुकी है तो आपने अपने बालों को वॉश कर लेना। उसके बाद आप कोई भी कंडीशनर ना लगाएं, सिर्फ आपने जस्ट थोड़े से शैम्पू के साथ अपने बालों को वॉश करना है। उसके बाद आपने कंडीशनर इसके ऊपर अप्लाई नहीं करना, क्योंकि जो चीज़ें हमने इसमें डाली हैं वो कंडीशनर का भी काम करती हैं। तो उसके बाद देखिएगा बालों को ड्राई करें, देखेंगे आपके बाल इतने खूबसूरत हो जाएंगे कि आपको किसी में तो आपके बाल इतने खूबसूरत हो जाएंगे कि आपको किसी भी पार्लर में जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो जी गाइस, अब मैं चाहती हूँ आपसे इजाज़त। आपने अपने बालों के ऊपर इसे लाजमी अप्लाई करना है। तो अब मैं आपसे चाहती हूँ इजाज़त, आपसे फिर मिलूंगी इसी तरह बहुत ही ज़बरदस्त वीडियो के साथ। अब तक के लिए अपना खूब सारा ख्याल रखें, नई वीडियो के लिए मेरा इंतजार करें। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।